हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय 10 प्रसिद्ध मंदिरों वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो रामेश्वर में रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के समुद्र तट पर दूर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप को बम्बन द्वीप कहा जाता है। यह भगवान शिव का एक मंदिर है। भगवान शिव के 12 स्थापित ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में मौजूद है। रामेश्वर मंदिर को रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में हिंदू धर्म के लोगों द्वारा इस मंदिर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यह मंदिर हिंदुओं द्वारा की जाने वाली 4 धामों की यात्रा का दूसरा मंदिर है, जो दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वर के। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामनाथ स्वामी मंदिर महाकाव्य रामायण के जितना ही पुराना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वो पहला स्थान है जहाँ भगवान राम देवी सीता के साथ रावण को हराने के बाद आए थे। नंबर 2 पर है द्वारकाधीश मंदिर, जो द्वारका में है। भारतीय राज्य गुजरात के द्वारका शहर में स्थित द्वारकाधीश मंदिर, इसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अरब सागर पर द्वारका शहर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जो यहाँ द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से भी पूजा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर 4 धामों में से चौथा है, जो पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह है एक 5 मंजिला इमारत है, जो 72 खम्भों पर बनी सारे खड़ी है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यह लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। कथाओं के अनुसार यह मंदिर भगवान कृष्ण के पौराणिक महल के स्थान पर बनाया गया है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। ध्वज को दिन में 4 बार बदला जाता है, लेकिन वह प्रतीक वही रहता है। द्वारकाधीश का आशीर्वाद सब पर बना रहे। नंबर 3 पर है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का मूल श्री हर मंदिर साहिब मंदिर है। यह अमृतसर में स्थित है। इसे सिख धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। स्वर्ण मंदिर अपनी अद्भुत आकर्षक वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। चमकदार सोने की दीवारों और कलात्मक बनावट के कारण दुनिया भर के लाखों लोग इस पवित्र स्थल की ओर आकर्षित होते हैं, और केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए स्वर्ण मंदिर सद्भाव और समानता का प्रतीक है। यह एक पवित्र तालाब से घिरा हुआ है, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। भक्त गुरुद्वारे के में दर्शन करने से पहले सरोवर के पवित्र जल में स्नान करते हैं। स्वर्ण मंदिर दुनिया में सबसे बड़ी लंगर सेवा का आयोजन करता है, जहां सभी धर्मों के लोग बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के जमीन पर एक साथ पंक्तियों में बैठते हैं और भोजन करते हैं। यहां सभी लोगों का सम्मान माना जाता है। यह प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का लंगर करवाया जाता है। नंबर 4 पर है बद्रीनाथ मंदिर। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी इलाकों में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर दुनिया में भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों वैष्णव दिव्य देशों में से एक है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। यह हिंदुओं की 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 धामों में से भी एक है। 4 धाम 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बद्रीनाथ उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार माता मूर्ति का मेला है। यह धरती पर गंगा नदी के उत्तर की याद दिलाता है। यह सितंबर के महीने में होती है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी यात्रा भी काफ़ी कठिन है। यह मंदिर केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। यहाँ केवल गर्मियों के महीनों में ही पूजा पहुँचा जा सकता है। जब मौसम कम सर्द होता है, बाकी सर्दियों के मौसम के दौरान अत्यधिक बर्फ के कारण आपके लिए मंदिर की यात्रा करना असंभव होगा। नंबर 5 पर है वीरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। वीरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में बल्लारी जिले के हम्पी गांव में स्थित है। यह हम्पी के स्मारक समूह का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान वीरूपाक्ष शिव का एक रूप है, जो 1336 से 1570 AD के विजय
मगध साम्राज्य के दिनों में यह मंदिर बनाया गया था। यह देव राय द्वितीय के दिन था। फिर विरूपाक्ष मंदिर भारत के उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो अद्भुत तथा आश्चर्यजनक वास्तुकला से भरा हुआ है। इसी कारण इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इस मंदिर के आसपास की जगह खंडहर बन चुकी है, पर अभी भी यह मंदिर पूजा में उपयोग किया जाता है। सर्दियों से इसे सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और आज भी कई तीर्थयात्री यहाँ भगवान शिव का दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, आपको भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों की सेकंड वीडियो कैसी लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।